हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल टॉकेट बेबीज। आई एम डॉक्टर नुपुर घोष। तो आज पेरेंट्स में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जो इस समय में मुझे लगता है कि हर पेरेंट फेस कर रहा होगा। आप जानते हैं कि जैसे कोविड टाइम्स चला आ रहा है, अब तो धीरे धीरे स्कूल्स खोल रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द किड्स अभी भी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। इस वजह से, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ड्रास्टिकली बहुत इंक्रीज हो गया है। क्योंकि जो हम पहले, जब जैसे जाशवी और इनायत छोटे थे, जब वो नर्सरी जाते थे, तो वो कुछ टाइम घर आके कार्टून वगैरह देखते थे, तो उनका बहुत लिमिटेड था स्क्रीन टाइम। बट अब क्योंकि ऑब्वियसली जाशवी की, मैं आपको बताऊँ, 3-3.5 घंटे तो उसकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो इस वजह से, और बाद में भी थोड़ा सा उसको अपने लिए टाइम चाहिए जब वो कार्टून्स देख सके, उसका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। नाउ इस स्क्रीन टाइम से बढ़ने की वजह से बच्चों के आईज पे बहुत स्ट्रेन आ रहा है। लास्ट कुछ दिनों में हमने जाशवी के केस में ऑब्जर्व किया कि उसकी आईज में रेडनेस बहुत बढ़ रही थी, प्लस वो आईज को बहुत रब कर रही थी। तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया और तब इस बारे में मैंने पढ़ाई भी की, और तब मुझे ये समझ में आया कि ये जो प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन। अब डिजिटल आई स्ट्रेन ये होता है कि जो इस टाइप के गैजेट्स हैं, यानी कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, आईपैड्स हो गए, टेलीविजन हो गए, इनको देखने से जो आईज के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है उसको हम बोलते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन। अब ये डिजिटल आई स्ट्रेन बच्चों में क्या प्रॉब्लम कॉज करता है? इससे एक तो बच्चे को फोकस करने में मुश्किल होती है, प्लस बच्चे के जो नेक मसल्स होते हैं उस पर स्ट्रेन होता है। इसके अलावा आप देखेंगे, कभी बच्चे कंप्लेन करते हैं कि उनको हेडेक हो रहा है या थकान महसूस हो रही है, फटीक हो रहा है, और अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो बच्चे ये भी कंप्लेन कर सकते हैं कि इवन वर्ड्स जो है वो मूव कर रहे हैं। हाँ, ऐसा बोलेंगे वो कि वर्ड्स जो है वो मूव कर रहे हैं जब मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये बेसिकली डिजिटल आई स्ट्रेन के कारण होते हैं, और ये प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन हो गई है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर हम बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस करने से तो नहीं रोक सकते, ये भी ज़रूरी है उनके लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम कैसे इस चीज़ को कम कर सकते हैं। एटलीस्ट हम ट्राई करेंगे तो ये बहुत जो है वो मात्रा में हम इसको कम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है मॉडलिंग। यानी मॉडलिंग, यानी आप जानते हैं बच्चे आपको बहुत कॉपी करते हैं। हर एक बच्चे की आदत होती है कि अपने मम्मी पापा को वो कॉपी करते हैं। अगर आप ही उसके सामने दिन भर मोबाइल लेके बैठे रहेंगे तो आप बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बिल्कुल ही मोबाइल ना देखे, वो बिल्कुल ही लैपटॉप ना देखे। अब बच्चा देख रहा है कि मम्मी पापा तो ये कर रहे हैं तो मैं भी। इवन हमने जाशवी को देखा है कि अगर मैं और सिद्धार्थ बिजी हैं मोबाइल में, तो वो भी बोलेगी यू गाइज आर सीइंग द मोबाइल, व्हाई शुडंट आई। फिर हमारे पास कोई आंसर नहीं रह जाता है। तो आपको अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है, ऑब्वियसली फिनिशिंग ऑल द वर्क, ऑफिस वर्क जो भी आप सब खत्म करके, बट ट्राई टू लिमिट द स्क्रीन टाइम। क्योंकि बच्चे अगर आपको देखेंगे कि मम्मी पापा कुछ और काम कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली उस चीज़ को फॉलो करेंगे। सेकेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, 20-20-20 रूल। ये 20-20-20 रूल आखिर है क्या? ये T20-20 नहीं है, लेकिन ये 20-20 रूल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसमें 3 20s होते हैं, जो ये होता है कि हर एक 20 मिनट के बाद आपको अपने बच्चों की आंख को 20 सेकंड का रेस्ट देना है, और वो 20 सेकंड का रेस्ट आप बच्चे को एक 20 फीट की दूरी पे कोई सामान अगर रखा है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसको 20 सेकंड तक देखना है। यानी कि मैं अपनी बेटी के एग्जांपल देके बताती हूँ कि अगर उसकी सुबह 8 से 12 या 8:30 से 12 क्लास हो रही है 3.5 घंटे की, तो मुझे उसको हर 20 मिनट में, अगर आपको याद नहीं रहता तो अपने मोबाइल में अलार्म लगाइए, पर ये बहुत ज़रूरी है। मैं उसको बोलूँगी कि कम से कम जाशवी आप 20 फिट पे, मैं कोई उसके लिए ऑब्जेक्ट बोलूँगी, इसको 20 सेकंड तक देखो। उससे जो होता है, ये जो हम, जैसे अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, तो मैं ये जो मेरा टारगेट है देखने का वो इतना नियर है। अगर हम बच्चे को 20 फीट की दूरी पे कोई चीज़ दिखाएंगे तो ये जो उसकी आईज पे स्ट्रेन आ रहा है कोई ऑब्जेक्ट इतनी पास देखने की वजह से, वो रिड्यूस होगा। अगला पॉइंट है ब्लिंकिंग ऑफ आईज। आप देखेंगे कि बच्चों जब स्क्रीन के सामने ऐसे बैठे रहते हैं तो वो ब्लिंक ही नहीं करते आईज को, मतलब वो कंटिन्यूसली, टीचर उधर से बात कर रहे हैं, पढ़ाई चल रही है, वो कंटिन्यूसली ऐसे करके देखते रह रहे हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप उसको बीच बीच में बोलें, अगेन मैं इसमें बोलूँगी कि आपने मोबाइल में अलार्म लगाइए और उसको बोलिए ब्लिंक करने आईज। ये जब हम एक्चुअली ब्लिंक नहीं करते आईज तो हमारी आईज ड्राई हो जाती है, और ड्राइनेस के कारण इन्फेक्शन या आई स्ट्रेनिंग जो होता है वो ज़्यादा हो सकता है।
तो आपको कोशिश करना है कि आप बच्चे को बोले ब्लिंक ब्लिंक करने से क्या होता है कि आईज जो होती है वो मॉइस्ट होती हैं और उससे इन्फेक्शन और आई स्ट्रेनिंग के जो चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि कम हो जाते हैं। अगला पॉइंट आता है यहाँ पे स्क्रीन और बच्चे के बीच में डिस्टेंस की बात करिए आप कि डिस्टेंस आखिर कितना होना चाहिए। इसमें आपको फॉलो करना है 1, 2 और 10 रूल। यहाँ पे याद रखिएगा 1, 2, 10। 1, 2 और 10 जो तीन नंबर्स हैं वो हैं आपका मोबाइल, लैपटॉप और टीवी के लिए। यानी कि मोबाइल को कम से कम 1 फुट की दूरी पे होना चाहिए, लैपटॉप को कम से कम 2 फुट की दूरी पे होना चाहिए और आपके टीवी को कम से कम 10 फीट की दूरी पे होना चाहिए। तो ये 1, 2 और 10 जो है ये रूल आप याद रखिए, इसको फॉलो करने से ये बच्चे को बहुत हेल्प करेगा आई स्ट्रेन को रिड्यूस करने में। पोजीशन की जहाँ तक बात आ रही है तो एक और आपको पोजीशन जो है वो ध्यान रखना है कि जब आप बच्चे का लैपटॉप सेट करें तो ये नहीं कि वो ऊपर देख रहा है, आपने लैपटॉप यहाँ सेट कर दिया और बच्चा अपनी क्लास कर रहा है। जो बेसिकली अगर आप आई लेवल पे रखेंगे बच्चे का लैपटॉप वो उसके लिए अच्छा होगा। और दूसरा, उसकी आर्म्स जो होती है उसका जितना लेंथ है कम से कम लैपटॉप जो है बच्चे का उतना दूर रहना चाहिए उसकी पूरी बॉडी से, यानी कि उसकी आँखों से, आर्म लेंथ, ये पूरा हम जो है वो आर्म लेंथ बोलते हैं। तो इस पूरा कम से कम ये इतनी दूरी पे होना चाहिए। अगला पॉइंट है यहाँ पे बेड टाइम पे कोई भी डिवाइसेस नहीं होनी चाहिए, नो डिवाइसेस एट द जस्ट बिफोर बेड टाइम। यानी कि सोने के 1 घंटे पहले आपको आपको और आपके बच्चों को डिवाइसेस से दूर रहना है। बच्चों के लिए तो ये फिर भी हो जाता है, माँ बाप के लिए नहीं हो जाता है। मेरी भी आदत है रात को खोल लिया अपना, कुछ भी देख रहे हैं, कुछ मोबाइल में सर्फिंग करें। इसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, या तो किचन या फिर किसी दूसरे रूम में एक जगह बना लीजिए चार्जिंग पॉइंट के लिए, और आपके आपके हस्बैंड सबको अपना मोबाइल वहाँ पे जाके रात को चार्ज पे लगा देना है। उससे आपका टेम्पटेशन ज़रूर रिड्यूस हो जाएगा कि क्योंकि आपको लगेगा अरे मुझे इतनी नींद आ रही है मैं दूसरे रूम में जाके क्या देखूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम बेड टाइम के जस्ट पहले कोई भी टाइप का डिवाइस यानी टीवी, मोबाइल, लैपटॉप कुछ भी करते हैं तो वो हमारी नेचुरल स्लीप साइकिल के साथ बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। हमें अच्छे से नींद नहीं आएगी, हमें बुरे बुरे सपने भी आ सकते हैं, आप देखेंगे आपकी बार बार नींद खुलती रहेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 1 घंटा पहले कोई भी डिवाइसेस ना देखे जाएं। नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि कभी शायद मैंने भी ऐसा बोला हो, अभी आप अपना होमवर्क कर लीजिए जाश्वी तो आपको मैं ये वाला कार्टून देखने दूंगी, आपका फेवरेट शो देखने देंगे। स्क्रीन टाइम को कभी भी आप एक रिवॉर्ड की तरह नहीं प्रेजेंट करिए बच्चे के सामने। स्क्रीन टाइम इज़ नॉट अ रिवॉर्ड। ऑब्वियसली वो बच्चे को हार्म ही कर रहा है, वो अपने मज़े के लिए, हम भी अपने मज़े के लिए देखते हैं, बच्चे भी अपने मज़े के लिए देखते हैं। सो स्क्रीन टाइम को आप बच्चे के सामने से प्रेजेंट ही मत करिए कि तुम ये कर दोगे तो तुमको ये देखने मिलेगा, तुम ये कर दोगे तो तुमको ये देखने मिलेगा, वो नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ स्क्रीन से रिलेटेड बातें बताती हूँ जिस जो आप अपने लैपटॉप या फिर अगर बच्चा लैपटॉप या टैबलेट जिसमें भी क्लासेस वगैरह करते हैं उससे क्या आप चेंजेस कर सकते हैं उसमें, जिससे कि उसके आईज पे स्ट्रेन कम मिलेंगे। उसमें पहली चीज़ आती है कि जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ी बड़ी रखिए। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो थोड़ा सा बड़ा होगा तो इट विल बी मच ईजियर फॉर हिम और हर टू रीड। तो जो टेक्स्ट का साइज होता है वो बड़ा रखना है। दूसरा, ब्राइटनेस फुल मत रखिए। ये गलती मैं भी करती थी, ब्राइटनेस फुल रखती थी। जितना हम ब्राइट रखेंगे उतना ज़्यादा बच्चे के आईज पे स्ट्रेन पड़ते हैं। लेट इट बी ऑन अ मीडियम टाइप, या मीडियम से थोड़ा सा हाई कर दीजिए बट फुल ब्राइटनेस नहीं रखना है। बैकग्राउंड कलर जो है वो कूल ग्रे रखिए, दैट्स मच बेटर। अगर आप कूल ग्रे बैकग्राउंड कलर रखते हैं तो वो आई स्ट्रेन को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ ये ब्लू रे ग्लासेस जो होती हैं ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, सो यू कैन गो फॉर वन ऑफ दीज ब्लू रे ग्लासेस टू रिड्यूस दिस, जो ये ब्लू रेज जो इफेक्ट करती हैं आइज को, उसको प्रिवेंट करने के लिए आप ब्लू रे ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं। अब इन सभी पॉइंट्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ और वो है फैमिली टाइम। जो फैमिली टाइम है यानी कि आप बच्चों के साथ आप अगर खेले वो बहुत ज़रूरी है स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करने के लिए। इसमें आउटडोर प्ले को भी बहुत इनकरेज करिए क्योंकि घर में जब बच्चा खेलता है तो कुछ ना कुछ वो बहुत पास देख रहा होता है, और अगर आप बाहर उसको पार्क्स में लेके जाते हैं या कुछ उसको चीज़ें जैसे कि स्विमिंग कराना, अभी तो ठंड हो गया है बट गर्मियों के टाइम में आप उसे स्विमिंग कराना, जाश्वी जैसे काफ़ी टाइम स्विमिंग में स्पेंड कर देती थी तो उसको काफ़ी मज़ा आता था, और इन सब चीज़ों से आई पे स्ट्रेन जो होता है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है। तो हर रोज़ कोशिश करके बच्चों को पार्क लेके जाइए, कुछ ना कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ में इनकरेज करिए उनको जाने के लिए।
और एज अ फैमिली कुछ ना कुछ उनके साथ खेलिए, तो इन सबसे आप स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि क्लासेस करना और ये तो हम नहीं बंद करा सकते। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हम जो मैंने आपको बताए, छोटे छोटे पॉइंट्स थे, पर इनको आप कराइए, क्योंकि मैंने ये फेस किया जाश्वी के साथ, उसकी आईज पे स्ट्रेन आ रहा था और ये कुछ चीज़ें हमने फॉलो की, तो ये इससे काफ़ी उसे हेल्प मिला। सो दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ट्राइड एंड टेस्टेड। सो आई होप कि आप पेरेंट्स भी, अगर आपके बच्चे इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो इनको यूज़ करिए और अपने बच्चों के हेल्थ को, अपने बच्चे के आईज़ को प्रोटेक्ट करिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा डॉक इट बेबीज़ को। कीप वॉचिंग अस, थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी पेरेंटिंग।